घर में हम तीन लोग रहते हैं, मैं, नेहा और हमारा मुन्ना। रात के 3 बजने वाले हैं। सामने दीवार पर टंगी घड़ी तेजी से भाग रही है। मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, पिछले 7 दिनों से सोया नहीं हूँ। आप जानना चाहेंगे ना क्यों? बाहर बारिश हो रही है, बेडरूम का पंखा भी फुल स्पीड पर चल रहा है, फिर भी मेरे पसीने छूट रहे हैं। हर रात 3 बजे हमारा मुन्ना खूब रोता है और तब तक चुप नहीं बैठता जब तक नेहा उसे गोद में लेकर लोरी ना सुना ले। नेहा, मेरी पत्नी, जो इस वक्त अपनी पीठ मेरी तरफ करके सोने का ड्रामा कर रही है, मैं जानता हूँ वो जाग रही है मेरी तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं परेशान हूँ और वो मुस्कुरा रही है। उसे रात के 3 बजने का बेसब्री से इंतज़ार होता है ताकि वो हमारे बच्चे की रोने की आवाज़ सुन सके, उसके पास जा सके, उसे सुला सके। 7 दिन पहले नेहा की डिलीवरी हुई थी, तब से उसने मुस्कुराना तो बंद ही कर दिया है। मेडिकल टर्म्स में इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं मूड स्विंग्स, उदासी, चिड़चिड़ापन, रोने की इच्छा होना। पर नेहा की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो हमारे बच्चे को संभाल पाएगी या नहीं। 3 बज गए, मम्मी की आवाज। अब नेहा कमरे के बाहर जाएगी, मुन्ने को लोरी सुनाएगी। थोड़ी देर में बच्चे का रोना पूरी तरह बंद हो जाएगा। नेहा बेडरूम में वापस आ जाएगी और चैन से सो जाएगी, पर मैं जागता रहूंगा पूरी रात, जिस तरह 7 दिनों से जागा हूं। क्योंकि जिस दिन नेहा की डिलीवरी हुई थी उस दिन हमारा मुन्ना बिल्कुल नहीं रोया। डॉक्टर ने खूब कोशिश की फिर भी नहीं रोया। स्टिल बर्थ कहते हैं इसे। उस दिन से जिंदगी कुछ अजीब सी हो गई है। जो बच्चा हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं रोया था, उसकी आवाज हर रात हमारे घर में गूंजती है ठीक 3 बजे।